हेलो फ्रेंड नमस्ते, मैं हूं चंदन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए जीके का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कि जीके में सौर मंडल से काफी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है, कौन से ग्रह कौन से कलर का है, या फिर कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा छोटा ग्रह है, कौन सा सूर्य का सबसे दूर का है या कौन सा सूर्य का पास का है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है ये मैं आपको आज बढ़िया से समझा के बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है सूर्यमंडल। देखिए सूर्यमंडल में जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वो सूर्य होता है, और सूर्य को ही केंद्र मान के बाकी जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, इन सभी को मिला के सौर मंडल बनता है। जैसे मान लीजिए कि आपका सूर्य ये है और इसके आसपास कहीं भी ग्रह है या कोई भी पिंड चक्कर लगा रहा है तो इसको हम सूर्य मंडल सारे को मिला के बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रह है या पिंड है ये चक्कर जो है अपने कक्ष पे लगाते हैं, यानी कि मान लीजिए कि इस ग्रह को चक्कर लगाना है तो ये इस बे में लगाएगा। इनका जो पैरामीटर होगा सेम होगा, यानी कि सेंटर के बीच से लेके जो होगा वो चारों तरफ बराबर ही होगा, अपने अक्ष से भटकेगा नहीं, एक पैरामीटर पे ही ये सूर्य के चक्कर लगाएगा। क्लियर हो गया। अगर इसे लगाना है तो ये इस पे लगाएगा, अगर इसे लगाना तो ये इस हिसाब से चक्कर लगाता है। आपने इस वाले फिगर को देखा होगा, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपको अक्सर जो बुक में दिखता है वो इस तरह का दिखता है। सूर्य मंडल सूर्य होता है और उसके आसपास ऐसे छोटे छोटे ग्रह होते हैं, फिर ऐसे करके आपने इमेज देखा होगा। तो ये वही इमेज है, कोई जरूरत नहीं कि जो ग्रह है वो बिल्कुल लाइन में हो, ग्रह कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी इसकी स्थिति हो सकती है, लाइन में तो होना संभव ही नहीं है। तो ये आपका सूर्य मंडल का मैंने छोटा सा हिस्सा समझा दिया। अब आपको बताता हूं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो सूर्य से पूछा जाता है, सूर्य की उम्र कितनी है, तो आपको बता दूं कि जो सूर्य की उम्र है वो है 10 अरब वर्ष, और अभी जो सूर्य है वो 5 अरब वर्ष पुराना हो चुका है, यानी कि अभी सूर्य जो है हमारे साथ 5 अरब वर्ष और रहेगा, ठीक है। सबसे क्वेश्चन तो यही आता है पहला। उसके बाद आता है सूर्य के ऊर्जा का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन या फिर विखंडन, ये क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम में, ठीक है। संलयन को फ्यूजन लिखते हैं और विखंडन को लिखते हैं फ्यूजन, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको विखंडन नहीं मानना है, आपको मानना है संलयन। सूर्य का जो ऊर्जा का कारण है वो नाभिकीय संलयन होता है, विखंडन नहीं। जैसे कि हमारा परमाणु बम है वो विखंडन पे काम करता है, ठीक है, कोई डाउट। और अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करें तो वो काम करता है संलयन पे। आपको ये भी बता दूं कि जो संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो विखंडन का 10,000 गुना होता है, मतलब 10,000 गुना ज्यादा पावर होता है संलयन में विखंडन के अलावा। यानी कि अगर हम मिलके रहेंगे, हम मिलके कोई काम करते हैं तो वो ज्यादा शक्तिशाली, अगर हम विखंडित होकर करते हैं तो वो बहुत ही कम शक्तिशाली। अगला देख लेते हैं। अगला पूछा जाता है कि सूर्य के द्रव्यमान में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो आपको बता दो सूर्य के द्रव्यमान में जो हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं 70%, ठीक है, क्लियर।
हीलियम जो होता है वो आपका होता है 28%, बाकी में 2% जो बच जाता है उसमें अन्य तत्व होते हैं, जैसे कि आपका यूरेनियम वगैरह भी सूरज में पाया जाता है। ये सूरज से कई सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो ये हो गया सूरज से रिलेटेड। अब सूरज के परिवार के हिस्से के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं वो आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, सूरज के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, यही क्वेश्चन एक आता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सूरज के आसपास टोटल कितने ग्रह है। देखिए, अभी तक पहले जो सूरज के ग्रह थे वो थे टोटल 8, लेकिन फिलहाल जो है 7 है। ठीक है, सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह जो है वो है मरकरी। ठीक है, यानी कि इसको बुध ग्रह बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है शुक्र। उसके बाद आपका आता है पृथ्वी। उसके बाद आपका आता है मंगल। उसके बाद आपका आता है बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद आता है शनि। उसके बाद आता है अरुण और उसके बाद आता है वरुण। देखिए, ये 7 ग्रह, इसके बाद एक आखिरी जो ग्रह था वो जो था वो आपका था प्लूटो, जो कि अब ग्रह रहा नहीं, इसको प्राग सम्मेलन हुआ था उसमें इसे ग्रह से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि ये जो ग्रहों की जो कुछ जो रूल्स होते हैं वो इसको प्लूटो फॉलो नहीं कर रहा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो कई सारे क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। तो आप यहाँ तो आपने हमने बना दिया, तो आप कह दोगे सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, सबसे दूर का ग्रह वरुण है, उसके बाद आता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, द्रव्यमान में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और इसके अलावा आता है किस ग्रह के सबसे कम ग्रह है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा ग्रह हरा है नीला है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो मैं आप यहीं से समझ लीजिए, जैसे कि आपको बुध के बारे में बता दूं, देखिए बुध जो है पृथ्वी, ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, कोई डाउट नहीं है। सबसे छोटा ग्रह जो है आपका बुध ही है। इसके अलावा जो और भी क्वेश्चन आते हैं बुध, अब आपका बुध का हो गया जो सूर्य के सबसे नजदीक का और सबसे छोटा, उसका पृथ्वी के बारे में भी, उसका शुक्र के बारे में भी ऐसे ही टॉपिक आते हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये ग्रह की सीक्वेंस हम कैसे याद रखेंगे। तो इसका तरीका मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं जिसके वजह से आप आसानी से ये सीक्वेंस याद रख पाएंगे। देखिए, आप एक सिंपल सा ये लाइन याद रखिएगा, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नमकीन। देखिए, माई से
मरकरी, वेरी से विनस यानी कि शुक्र, एजुकेटेड से अर्थ यानी कि पृथ्वी, उसके बाद आपका आ गया मदर से मंगल। आपको पता ही है कि माँ जो होती है आपके लिए मंगल कामना ही करती है। और जस से जुपिटर, बृहस्पति, सब से स्टैचू यानी कि शनि, अस से यूरेनस, अरुण, और एन से नमकीन यानी कि नेपच्यून, ये हो गया आपका वरुण। तो इस तरह से आप सीक्वेंस एक सिंपल से फॉर्मूले के वजह से आप याद कर पाएंगे, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नमकीन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कई सारे क्वेश्चन जो है आप इजीली यहीं से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको जब सीक्वेंस पता होगा तो आप बता पाएंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, सूर्य का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके बता देता हूँ। जो बुध के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यही दो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे नजदीक का ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है, ये बुध के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद अब आ जाते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र के बारे में पूछा जाता है, जो सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है, सबसे चमकीला क्यों? देखिए आपको पता है बुध सबसे छोटा ग्रह है, तो सन की जो लाइट है इस पे बहुत कम पड़ती होगी यानी पार कर जाते हो। उसके बाद आप ये आ जाती होगी शुक्र के ऊपर, और देखिए ये पृथ्वी के समान ही इसका जो एरिया है वो है, तो यानी कि पृथ्वी के बराबर ही है, तो लगभग इस सबसे ज्यादा रोशनी जो है इस पे आती होगी, इस वजह से ये सबसे चमकीला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से आता है कि पृथ्वी की बहन बताइए, तो वो भी पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं सूर्य ग्रह से आते हैं, ये सॉरी शुक्र ग्रह से आते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने ग्रह के बारे में, पृथ्वी ग्रह के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, नीला ग्रह किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आता है क्वेश्चन में। तो ये हमारा हो गया पृथ्वी के बारे में, नीला किस वजह से है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी पाया जाता है, पानी जिस ग्रह पे पानी होगा उस वहां पे कलर जो है नीला दिखाई देगा। तो ये पृथ्वी ग्रह से हो गया। अब अगला मंगल ग्रह से पूछा जाता है, मंगल को हम कहते हैं लाल ग्रह, ये भी क्लियर हो गया। अब आपका पृथ्वी मंगल हो गया, अब आपका क्वेश्चन आता है बृहस्पति ग्रह से, सबसे भारी, सबसे बड़ा, मंगल ग्रह जो सॉरी बृहस्पति ग्रह वो सबसे भारी है और सबसे बड़ा है। अगर आपको ये पता है कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, उपग्रह सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसके लिए आपका क्वेश्चन आता है गैनीमेड। गैनीमेड जो है आपका सबसे बड़ा उपग्रह है। और एक और क्वेश्चन आता है, आप सबसे बड़ा ग्रह जान गए, सॉरी सबसे बड़ा उपग्रह जान गए, तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा उपग्रह होता है वो होता है आपका डिमोस।
तो ये क्वेश्चन जो आपके आते हैं बृहस्पति ग्रह से आते हैं। अब अगला देख लेते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन जो होता है वो वरुण ग्रह से पूछा जाता है। तो सबसे दूर का ग्रह पूछा जाता है, सबसे नजदीक का आप लोगों को बता दिया मैंने वीडियो के शुरू में जो बुध है। सबसे दूर का ग्रह जो हो जाएगा आपका वरुण हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वरुण से पूछा जाता है हरा ग्रह, वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। इसके अलावा वरुण से एक और क्वेश्चन आता है सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह जो होता है वो यही होता है वरुण। क्योंकि देखिए ये सूर्य से सबसे दूर है, सिंपल सा लॉजिक है, इस वजह से इसको सबसे ठंडा ग्रह बोलते हैं। तो आप सिर्फ जो मैंने शुरू में फॉर्मूला बताया उस वजह से आप इतने क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला भी कुछ इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और ये टॉपिक अभी पूरा हुआ नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, वो मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तो आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।